सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो रात में बहुत लेट हो गए थे तो हम आते साथ ही सो गए, तो अभी हम उठे। तो सुबह का नाश्ता है, ये हमारे पास पराठे हैं और ये बिल्कुल वीआईपी कोइते होटल का जो नाश्ता नहीं होता वो है, और ये हमारे पास कोनात के पाने हैं। ये पाने रमजान में खा के इनकी हमें आदत हो गई है, तो अभी हमें इसका मूड हो रहा था तो हमने कहा पराठे वराठे छोड़ो, ये खा लेते हैं पहले। ये हमारे पास गर्म गर्म दूध पत्ती पियेंगे और उसके बाद ये प्रॉपर लाहौरी नाश्ता, लाहौरी तो नहीं है लेकिन अच्छा नाश्ता है। ये हमारे पास पराठे हैं और ये हमारे पास पाने हैं। पाने खाए मेरा पाना, खाए मेरा पाना। दिस इज़ कॉल्ड पाने, दिस इज़ जस्ट ब्रेड। आपने इसको ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे करके। नाश्ता वाश्ता सब हो गया, हम काफ़ी लेट हो गए। इरादा था सुबह 6 बजे उठे हैं और सनराइज़ देखें जाके, सनराइज़ से दूर की बात 12 बजे हमने नाश्ता किया है। तो ठंड भी है, बीच पे भी जाना है, तो आगे चल के आपको सीरीज दिखाते हैं कि क्या होता है बीच पे। हम खुद एक्साइटेड हैं। कुत्ता चेक करो, अबे कुत्ता है बकरी है क्या है? तो गाइस माहौल और हालात बता रहे हैं कि हम बीच के करीब पहुंचने ही वाले हैं। तो ये देखें, ये है साइकिल के लिए, यहाँ पर साइकिल भी बनी हुई है, तो ये साइकिल लॉक के लिए। और ये वाला जो ट्रैक है ये साइकिल के लिए ट्रैक है, और इसके साथ वाला है ये सारे रनिंग। अबे यहाँ सारे कुत्ते ऐसे हैं, अरे कुत्तों की रैली है। ऑफिशियली वी आर एट हेयर रिमिनी बीच, सो यू कैन सी बिल्कुल सी व्यू वाली वाइब जा रही है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस पॉइंट फॉर द बीच, सो वी जस्ट केम फ्रॉम दिस साइड एंड वी एंटर फ्रॉम हियर एंड वी आर गोइंग दिस वे। यू कैन सी लॉट्स ऑफ अम्ब्रेलास एंड आई थिंक दीज आर द टॉयलेट्स एंड वॉट इज दिस, दिस इज द रेजियोने एंड वॉट एल्स, ओह दिस थिंग ऑल्सो। अरे दादा ये हमारे जूते हैं, ये हम हैं, ये हमारी आवाम है। तो आखिरी हम यहाँ पर थोड़ी सी स्विमिंग करते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, आज ऐसा लग रहा है कि हम पीर वाले दिन सीवी वाले हैं। ये देखें, तो आज का सेशन हो गया तमाम। यार हम जब पाकिस्तान में थे हमने सुना था गुर्बत वहाँ ज़्यादा है, यहाँ जब आए पता चला लोगों के पास खाने को नहीं है। यार खाने को समझ आता है, वो नहीं है गरीब, असल गरीब ये हैं, उनके पास सिर्फ खाने को नहीं है, यहाँ लोगों के पास पहनने को नहीं है। इतनी हैरत हो रही है देख के, इतनी गुर्बत, पीपल आर वेरी पुअर हेयर। इन माई कंट्री आई यूज टू थॉट थिंक दैट वी हैव नथिंग टू ईट और वी हैव वेरी लेस टू ईट, बट हियर दे डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर, सो दे आर मोर पुअर देन अस। वी आर नॉट दैट मच पुअर, दे आर मोर पुअर, सो लेट मी शो यू हाउ पुअर दे आर।
इवन दे डोंट हैव दिस मच मनी टू बाय टू कवर देयर होल बॉडी। यार आप लोगों को ना मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो वो सामने जो है ना, वो सामने वो सारा बीच है और हम वहाँ से चल के आए हैं और ये आगे तक रोड देखो। अब देखो ये यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे छोटे छोटे मतलब बिल्कुल सारे ढाबे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे इन्होंने 12 यूरो 15 यूरो 20 यूरो की पेमेंट लगाई हुई, मतलब हमने इतना पे करना है। और ये वाला जो सारा एरिया है मैं दिखाता हूँ, वो सामने देखें ऊपर कुछ लिखा हुआ, वो भी होटल है, ये भी होटल है, ये भी होटल है, मतलब हम बीच से इस तरफ आएँ, अगर हम बीच से उसी वाली पट्टी पे जाते हैं, मतलब आप सी व्यू जाते हो तो राइट साइड पे आपको सी व्यू मिलता है, बीच मिलता है, लेफ्ट साइड पे क्या मिलता है, बंगले मिलते हैं, डीएचए मिलते हैं, डीएचए मिलता है, आपको सारा ऐसी चीज़ें मिलती हैं। अब ये देखो अच्छा खासा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हमारे यहाँ भी इस तरह बीच के साथ सी व्यू पर बहुत सारे होटल्स और ये सब होता तो आप लोग अंदाज़ा लगाओ कितना पैसा होता, पैसा ही पैसा होता मालिक, ठीक सी की स्कीम बता रहा हूँ मैं। तो यार देख सकते हो कितना प्यारा इन्होंने रोड बनाया हुआ, देखो मतलब इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, दरख्त तो फिर भी हैं, ऐसा नहीं है कि दरख्त काट दिए, दरख्त हैं, होटल्स ही होटल्स हैं ये सारे दोनों तरफ, तो बस वही देख के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ में बस थोड़ा सा अफसोस भी होता है, क्या कर सकता है। सो गाइस फाइनली आई एम इन अनकोना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी दो सिटीज़ हो चुकी हैं और फाइनली हम टाइम पर यहाँ पहुँच गए हैं और इस वक्त बज रहे हैं रात के 10। तो यहाँ पर हम आए ज़हीर भाई से मिलना है, तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं जो मैंने और ज़हीर भाई ने साथ वीज़ा फाइल किया था, मतलब अब तक मैं जिन जिन लोगों के पास गया हूँ, जिनके पास घुमाऊँ, सारे वही लोग हैं जिनके साथ हमने वीज़ा फाइल की थी या जो कराची से आए हैं और इसी तरह के। तो ये हैं भाई ज़हीर भाई, इनकी हालत देखो, मैंने आपको पारवा में एक बंदे से मिलवाया था, उसके बाद ये दूसरे ज़हीर भाई हैं, अब इनकी ये हालत देखो, ये इतने पतले नहीं थे, हट्टे कट्टे थे, इनकी अभी हालत ख़राब हो गई है, ये इन्हीं को पता है परदेश में ऐसा ही होता है, ये हमने 2-4 दिन थोड़ा ज़्यादा खा लिया है, तो अभी हम फिर से बलूनिया जाएंगे, हमारी हालत भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये वो भाई हैं जो अनकोना में होते हैं, मार्के रीजन में, तो सुबह हम इनके साथ एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, स्कॉलरशिप की वीडियो। तो ज़हीर भाई कुछ कहना चाहते हो? सुबह ही करेंगे जो, तो आज के लिए यही रखते हैं, बाय बाय। Buenas noches, chao. Chao, chao.